नमस्कार साथियों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है, बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, दर्शन क्या है। ये वीडियो विकास द्विवेदी सर जो वीडियो अपने पर्सनल चैनल पे बनाए हैं उन्हीं के वीडियो का एक समरी है जो मैं आपको बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, दृष्टि का स्टूडेंट हूँ और हमारे सबसे प्रिय सर हैं विकास सर, जो देश के सबसे प्रिय टीचर हैं। तो उन्हीं की वीडियो को हमने देखा है और समराइज करके आपके सामने थोड़े समय में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है, दर्शन क्या है, व्हाट इज़ फिलॉसफी। देखिए, फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई वो जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो उस समय जो है जब मानव सभ्यता एकदम से बन के तैयार हो गई, लोग संपन्न रहने लगे, तब उन्होंने फिलॉसफी के बारे में सोचना शुरू किया। फिलॉसफी जो है वो एक ऐसा विषय है कि जब आपका पेट भरा हो तभी आप जो है फिलॉसफी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका पेट नहीं भरा है तो आप फिलॉसफी क्या, फिर आप अपने पेट के बारे में सोचेंगे और जो है पेट भरने के बारे में सोचेंगे। तो फिलॉसफी का जो हिंदी में जो इसका अर्थ है उसे कहते हैं दर्शन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दर्शन और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलॉसफी। देखिए, दर्शन और फिलॉसफी दो ऐसे शब्द हैं लेकिन ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी दो शब्द जो होते हैं वो एकदम पर्यायवाची नहीं होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें अंतर होता है, तभी वो जो है मतलब उसमें अंतर होता है और वो एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं होता है। ये जो बताया था वो एक लिंग्विस्टिक फिलोसोफर थे जिनका नाम था क्वाइन। तो क्वाइन ने बताया था कि दुनिया में दो ऐसे शब्द कभी भी पर्यायवाची नहीं हो सकते, जैसे कि जल और जो है जल का पर्यायवाची वैसे तो पानी होता है, लेकिन पानी और जल एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ परसेंट यानी कुछ ना कुछ उसके डिग्री में हमेशा अंतर रहता है। तो हिंदी में जो बताया गया कि दर्शन, तो दर्शन का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फिलॉसफी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो है भारत में शब्द दर्शन चलता है और वेस्ट में यानी यूरोप में फिलॉसफी यूज़ किया जाता है। तो दर्शन का अगर एग्जैक्ट मतलब जो मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है ज्ञान चक्षु, यानी जो होता है इसको क्या कहते हैं, ज्ञान चक्षु। चक्षु चक्षु मतलब नेत्र या आँख और ज्ञान मतलब ज्ञान से, यानी कोई चीज़ जो होता है वो ज्ञान के चक्षु अगर खुल जाए तो उसे कहते हैं ज्ञान चक्षु। ठीक है, तो दर्शन में इसका अर्थ चलता है। दिव्य चक्षु भी इसको बोलते हैं, दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे महात्मा बुद्ध को और जो है महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो है भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या की उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो उन्हें को इस तरीके का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उनके दिव्य चक्षु खुले और उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि शायद और किसी को ना प्राप्त हो। तो उस तरीके के जो ज्ञान को बोलते हैं, मतलब उस तरीके का जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि आपका ज्ञान चक्षु खुल गया या दिव्य चक्षु खुल गया। फिलॉसफी का जो मीनिंग होता है वो उसको बोलते हैं, ये दो शब्द से बना है, एक को बोलते हैं फिलॉस और दूसरे को बोलते हैं सोफिया, यानी दो शब्द से मिला हुआ है, मिलकर बना है। एक को बोलते हैं फिलॉस और दूसरे को बोलते हैं सोफिया। ठीक है, फिलोस का मतलब होता है आपका लव यानी प्रेम और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। ठीक है, तो इसको ज्ञान शब्द नहीं यूज करते हैं, इसके लिए विजडम का यूज करते हैं, क्योंकि ज्ञान शब्द जो है मतलब जो नॉलेज शब्द है उसकी जो डिग्री है वो कम है और विजडम का जो है डिग्री ज्यादा है। ठीक है, जैसे पानी आप बोलते हैं तो उसकी जो डिग्री होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन आप जल बोलते हैं तो प्योरिटी की डिग्री बढ़ जाती है। पानी शब्द में प्योरिटी की डिग्री कम है जबकि जल शब्द में प्योरिटी की डिग्री ज़्यादा है। उसी तरीके से नॉलेज में जो है उसकी डिग्री कम है और विजडम शब्द यूज़ करते हैं। तो लव यानी ज्ञान से प्रेम करना, ज्ञान से प्रेम करने को बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक है, तो ये फिलॉसफी शब्द का यहाँ पे मीनिंग है, जबकि यहाँ पे देखते हैं तो ज्ञान चक्षु या दिव्य चक्षु है।
अब देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं कि ये दर्शन का विकास किस तरीके से हुआ, यानी दर्शन किस तरीके से मानव सभ्यता में आया और दर्शन के बारे में लोग सोचना शुरू किए। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में यह है कि जो दुनिया बनी, तो कहते हैं कि दुनिया जब बनी तो वो उसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 450 करोड़ वर्ष, यानी जो दुनिया, जो ये पृथ्वी बनी है, तो इस पृथ्वी को बनने का जो समय है वो 450 करोड़ वर्ष माना जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी और वो जो है एकदम उस पर कुछ भी नहीं था, केवल एक जो है वो रेड हॉटेड प्लैनेट था, यानी उस पर ना जीवन था ना कुछ था, केवल वो एक लावा की तरह थी। तो वो क्या था टाइम, वो था लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले की बात है। उसके बाद कहा जाता है कि 370 करोड़ वर्ष पहले, यानी 450 के बाद फिर 370 करोड़ वर्ष पहले जो है वो कहते हैं कि पहली बार पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, यानी पहली बार क्या हुआ कि पृथ्वी पर कोई जीव उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये क्या है कि पहली बार पृथ्वी पर जीवन आया। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन आया। उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो क्रम चला वो आपका, कहते हैं कि 1 ट्रिलियन वर्ष पहले जो है, ठीक है, वो स्पीसीज आए 1 ट्रिलियन वर्ष पहले, यानी लगभग 370 पृथ्वी पर जीवन की बात करें तो कितना आया था, 370 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पहली बार जीवन आया था। और माना जाता है कि जो पृथ्वी पर लगभग आपका 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन जो है वो आप कितनी स्पीशीज है, मतलब पृथ्वी पर अगर स्पीशीज की बात करें इस समय तो जो है 1 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000000, यानी 50 करोड़। ठीक है, इकाई, नहीं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 करोड़ स्पीसीज है इस समय पृथ्वी पर, ये वैज्ञानिकों का मानना है। जिसमें से 18,00,000 स्पीसीज का जो है वो नाम रखा गया है, यानी 18,00,000 के भी रख पाए हैं, और जबकि 1,00,000 करोड़ जो है वो स्पीसीज इस अर्थ पे है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है और वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 370 करोड़ वर्ष पहले की बात कही है, तो उसमें कहा गया कि पृथ्वी पर पहली बार जीवन आया। ठीक है, अभी देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो है अर्थ की, और इसी क्रम में किस तरीके से फिलॉसफी आया तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, 1.2 करोड़ वर्ष, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 1.2 करोड़ वर्ष जो पहले जो है वो पहला जीव हुआ जिसको बोलते हैं प्राइमेट्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स जो है ये पहला जीव माना जाता है जो 1.2 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर आया था। अब कहा जाता है कि ये जो प्राइमेट्स थे ये क्या हुए, यही जो है आगे चलकर दो हिस्से में डिवाइड हो गए। तो प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स कब आए थे, 1.2 करोड़ वर्ष पहले आए थे। ठीक है, ईयर पहले आए थे। तो प्राइमेट्स जो है इसको कहा जाता है कि शुरुआती जीव, या शुरुआती दौर पे जो पृथ्वी जब बनी तो उसके बाद जो शुरुआती जीव आए तो उनको कहा गया प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स जो है वे लगभग दो हिस्सों में बट गए। ठीक है, एक जो डिवीजन हुआ उसको बोलते हैं एप्स, उसको कहते हैं एप्स, यानी एप्स क्या होते हैं, जो गोरिल्ला टाइप के होते हैं वो एप्स होते हैं। तो आगे चलकर ये प्राइमेट्स जो है एक डिवीजन का हो गया एप्स। ठीक है, और दूसरे जो है ये कहाँ पे रहते थे, तो ये जो है पेड़ पे रहते थे,
दूसरे जो इन्हीं की कैटेगरी के थे वो भी पेड़ पे रहते थे, वो जो है जब उनकी कैटेगरी आई तो वो पेड़ से नीचे उतर आए। ये कैटेगरी क्या रही, हमेशा पेड़ पे रही, और ये कैटेगरी जो है वो नीचे उतर आए, तो यही आगे चलकर क्या हो गया, नीचे उतर के जमीन पे आ गए, ठीक है, जमीन पर आ गए। ये क्या रही, ये जो है हमेशा पेड़ पर रहे, तो इनकी कैटेगरी अभी भी है कि अगर हम गोरिल्ला की बात करें तो ये जो है अभी भी बंदर है, लेकिन ये जो इनकी कैटेगरी रही वो सीधे उतर के जमीन पे आ गए। अब क्या हुआ कि ये दोनों कैटेगरी में क्या होते थे कि ये दोनों कहते थे चार पैर पे चलते थे, फिर जब ये जमीन पे आए तो ये चार पैर से दो पैर पे आ गए, ठीक है, यानी दो पैर पे चलने लगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी एक तरीके से कहिए कि परिवर्तन हुआ कि जब वो जीव जो पेड़ पे रहता था चार पैर पे चलता था वो दो पैर पे आ गए, तो उसके दो हाथ फ्री हो गए, यानी दो पैर उसके फ्री हो गए, तो इससे क्या हुआ कि वो बहुत से काम करने लगा, क्योंकि दो हाथ फ्री थे तो दो हाथ से वो बहुत से काम करने लगा, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से हम कह लें कि ये टर्निंग पॉइंट था, ये आपका टर्निंग पॉइंट था कि जो दो पैर पे आ गए, लेकिन क्या था कि ये बहुत कमज़ोर थे, मतलब ये इनको अदर जितने भी जीव थे वो मार के खा जाते, तो ये बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। कमज़ोर होने की वजह से ये क्या करते थे, ये झुंड में रहते थे, यानी ये झुंड में रहने लगे, दो पैर पे आए, फिर उसके बाद चूंकि ये बहुत ताकतवर नहीं थे तो ये कमज़ोर थे, तो ये क्या हो गए, झुंड में रहने लगे, ठीक है। तो इनको मतलब एक तरीके से झुंड में रहने की आदत हो गई, क्योंकि ये सब झुंड में नहीं रहते थे, ये क्या रहते थे, पेड़ पे रहते थे, लेकिन ये जब जमीन पे आए दो पैर पर चलने लगे, उसके बाद जो है ये बहुत ताकतवर नहीं थे तो ये झुंड में रहने लगे, ठीक है। अब जब झुंड में रहने लगे, ठीक, और इनके अंदर एक चीज़ ये हुआ कि जब ये दो पैर पे आ गए तो ये सीधा खड़े हो गए, यानी सीधा खड़े होकर चलने लगे। तो जब सीधा खड़े होकर चलने लगे तो क्या हुआ कि ये दूर तक देख सकते थे, चार पैर पर चलते थे तो दूर तक नहीं देख पाते थे, लेकिन जब ये दो पैर पे आ गए तो ये दूर तक देख पाते थे। इससे क्या हुआ कि वो एरिया समझ जाते थे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, कहाँ पे घास है, कहाँ पे फल है, कहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इस कैटेगरी के लोगों को पता चलने लगी, ठीक है। इसी में सबसे जब आगे चलकर जो पहला मानव जिसे कहते हैं, जो पहला मानव हुआ उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है कि शुरुआती जीव था, तो इसको इसके बाद जो दूसरा आया उसको बोलते हैं नियंडरथल। जो दूसरा आया वो आपका नियंडरथल आया, पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। इसी कैटेगरी में जब मानव विकास हुआ, क्योंकि जब दो पैर पे आ गए और उसके बाद जो है फिर ये मानवीय प्रकृति में आ गए, तो क्या हुआ कि पहला जो जीव आया, मतलब पहला जो ह्यूमन आया उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद जो आया वो आपका नियंडरथल आया। उसके बाद लगभग 25 लाख वर्ष पहले, यानी 25 लाख वर्ष पहले जो है, जो इसके क्रम में जो एक विकास हुआ उसको बोलते हैं होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, ठीक है, तो हैबिलिस। इसके बाद 25 लाख वर्ष पहले जो आए वो क्या है, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को माना जाता है कि ये जो थे वो अदर स्पीसीज से बुद्धिमान रहने लगे, यानी इनका जो ब्रेन साइज हुआ वो लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, यानी इनका जो ब्रेन साइज हो गया वो कितना हो गया, 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये होमो हैबिलिस का हुआ। उसके बाद लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ जो आए, जो इस समय जो हम लोग का नाम है वो बोलते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है, ये क्या है, लगभग 3 लाख वर्ष पहले। तो जो 450 करोड़ वर्ष की जो यात्रा है वो हम लोग का जो विकास हुआ है वो लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ है, ठीक है, 3 लाख वर्ष पहले जो है हम लोग का विकास हुआ, यानी ह्यूमंस बने हैं, ठीक। कहा जाता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा
कहते हैं कि इस ह्यूमन में सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये आया कि इसका ब्रेन साइज बढ़ गया। ब्रेन साइज का मतलब हो गया कि इसका जो मस्तिष्क का आकार था वो बढ़ गया। ठीक है, तो मस्तिष्क का आकार क्या हुआ तो देखते हैं कि जो मेल है, मेल में इसका हो गया 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर और फीमेल में हो गया लगभग 1170 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेल में कहते हैं, मेल इस समय भी जो मेल की साइज़ है, मेल में जो ब्रेन की साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और फीमेल में थोड़ा सा कम है। तो बहुत लोग तो इस पे भी लड़ जाते हैं कि महिलाएं कम बुद्धिमान होती क्योंकि उनका ब्रेन साइज़ छोटा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो मेल में है और 1170 लगभग फीमेल में है। ठीक है, अच्छा इसको मेज़र कैसे करते हैं तो इसमें होता है कि जैसे खोपड़ी लो और खोपड़ी में क्या हो गया, रेत भर दिया। ठीक है, इसमें रेत भरते हैं, फिर देखते हैं कि इस मतलब खोपड़ी में कितना रेत भरा जा सकता है। तो जो रेत भरा जाता है फिर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो इसी से पता किया जाता है कि ब्रेन का साइज कितना है। इस प्रोसेस इसको बोलते हैं सिफिलिक इंडेक्स, यानी सिफिलिक इंडेक्स के प्रोसेस से कहा जाता है इसको मेजर किया जाता है। सिफिलिक इंडेक्स होता है, तो सिफिलिक इंडेक्स के प्रोसेस से जो है ये ब्रेन साइज कैलकुलेट किया जाता है। तो होमो सेपियंस जब हम लोग बन गए, अब उसके आगे देखते हैं कि अभी तक हम लोग फिलॉसफी पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा विकास हुआ है। ठीक है, तो अब होमो सेपियंस बन गए हैं, अब उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से जो होता है वो ह्यूमन में डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं कि देखिए होमो सेपियंस जब हम बन गए तो उसके बाद क्या है कि हमारा जो ब्रेन साइज है वो बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो ब्रेन साइज बढ़ने की वजह से न्यूरॉन लेवल पे हमारी चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ों में डेवलपमेंट हो गया। जैसे कि देखिए, जैसे कि इमेजिनेशन हम करने लगे। ठीक है, यानी हम इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी स्पीसीज जो अर्थ पे है वो ह्यूमन के अलावा कोई भी स्पीसीज इमेजिन नहीं कर सकती, यानी कल्पनाएं नहीं कर सकती। जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती। ठीक है, कोई जानवर भी होगा तो वो इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि हमारा ब्रेन साइज बढ़ जाने की वजह से हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ गई। ठीक है, दूसरा है इंटेलिजेंसी हमारे अंदर बढ़ गई, यानी हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए औरों की अपेक्षा। ठीक है, तीसरा हमारी मेमोरी पावर बढ़ गई, हमारी जो है मेमोरी पावर बढ़ गई। तो ये तीन चार चीज़ें जो हुई वो बहुत ही एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है जो अदर स्पीसीज से हमें अलग कर दिया। हम क्या थे, हमने अभी बताया कि हम लोग उतने ताकतवर नहीं थे जो क्रम हमने बताया था। तो हम लोग को पता है कि जो है और जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर है, जैसे कि गाय है, बैल है, हाथी है, शेर है, मतलब जितने भी हैं। लेकिन हम लोग के अंदर जो एक चेंज आया वो आया ब्रेन साइज में चेंज की वजह से, यानी ब्रेन साइज बढ़ने की वजह से हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप हो गई, जैसे कि इमेजिनेशन की पावर हो गई, इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मेमोरी पावर बढ़ गई। इसकी वजह से हम किसी भी जीव को हरा पाए। तो देखिए इसकी वजह से अब क्या हुआ, इसकी वजह से लैंग्वेज बनी हमारे अंदर, यानी हम लैंग्वेज बनाना सीख गए। लैंग्वेज बनने की वजह से यानी भाषा, तो हम बात कर पाते हैं, हम अपनी बात को दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं या बहुत गहरे लेवल तक पहुंचा देते हैं। और स्पीसीज में इतना नहीं है, उसमें बस इतना ही समझ लो कि वो अपने मम्मी पापा, अगर कोई छोटा स्पीसीज का कोई छोटा बच्चा है तो वो अपने मम्मी पापा को यही बता सकता है कि जो है मुझे भूख लगी है या मुझे खतरा है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हमारे अंदर चूँकि हम लोग का जो ब्रेन साइज बढ़ा तो भाषा का विकास हुआ, भाषा के विकास होने की वजह से जो है हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और क्या हुआ, सोसाइटी बनी, यानी हम जो है हम पहले से बता रहे कि हम लोग झुंड में रहते थे, तो उसी सोसाइटी क्या है, उसी झुंड का एक मॉडर्न रूप है, तो सोसाइटी बनाए। इसके अलावा जो है सोसाइटी के बाद फिर फैमिली बनी। ठीक है, किसी भी स्पीसीज में फैमिली नहीं देखते हैं, केवल इसी में देखते हैं। जैसे कि हम और स्पीसीज में जो फैमिली देखते हैं वो किसकी, क्या देखते हैं, मदर और उसका चाइल्ड, यानी मदर और बच्चे का फैमिली देखते हैं, उसमें फादर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि फादर जो है वो नेचुरल फैमिली मेंबर नहीं है,
वो उसको केवल ह्यूमंस में ऐसा है कि फादर जो है फैमिली का मेंबर है, अदर जो है वो फैमिली, अदर स्पीसीज में फादर जो है वो फैमिली मेंबर नहीं है। तो हम लोग क्या बनाएं, फैमिली बनाएं। इसके अलावा हम क्या बनाएं, राज्य बनाएं यानी स्टेट बनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बनाना सीख गए और एक एक वेल डेवलप्ड जो है सोसाइटी में हम लोग रहने लगे, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हम ये सब तो बना लिए, लेकिन अभी हम फिलॉसफी के बारे में नहीं सोच पाए। फिलॉसफी मैंने कहा ना कि फिलॉसफी आप तभी सोच सकते हैं जब आपका पेट भरा हो, और अभी ऐसा कुछ हमने इसमें देखा नहीं कि जो है हमारा पेट हमेशा भरा रहे। मतलब यह है कि हमको खाने की दिक्कत ना झेलनी पड़े, इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अभी जो रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, या फिर हम जो है एक ट्राइब के तौर पे रहते हैं, या हम जो है एक जो है क्या कहते हैं खाना बदोशी की तरह रहते हैं, रहते थे उस समय की बात है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान ली एक जगह हम लोग गए रहने और वहाँ पे खाए पिए और वहाँ का जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, उसके बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो ये हमारी जो मूवमेंट चलता रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब ऐसा क्या करते कि जिसकी वजह से हम एक जगह रह पाते, क्योंकि फिलॉसफी आप तभी फिलॉसफी के बारे में सोच सकते हैं जब आप एक जगह स्थिर हो। आप लगातार मूवमेंट करेंगे तो आप फिलॉसफी के बारे में नहीं सोच सकते। तो हुआ ये कि 10,000 साल पहले एक रेवोल्यूशन हुआ, एक तरीके की क्रांति हुई 10,000 साल पहले, ठीक है। 10,000 साल पहले एक हुआ नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इसको साधारण भाषा में समझ लो कि कृषि का विकास हुआ, ठीक है, कृषि का विकास। यानी अब जो है मानव क्या है वो खेती करना सीख गया, यानी कृषि करने लगा, ठीक है। अभी तक कृषि करना आता ही नहीं था। तो क्या होता था कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा रहते थे वहाँ पे हम जाते थे और खाए पिए, जैसे ख़त्म हो गया वैसे दूसरी जगह चले गए, सूखा जहाँ पड़ा वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन जब नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ यानी कृषि का विकास हुआ, तो उस समय कृषि करना लोग सीख गए। अब कृषि करना जब लोग सीख गए तो इसमें यह हुआ कि लोग एक स्थान पर रहने लगे, एक जगह पर रहने लगे, यानी किसी एक कबीले या किसी एक गांव में रहने लगे, और लोग जो है वहां पे घर बना के रहने लगे और साथ में खेती करने लगे, जगह जगह पे खेती करने लगे। तो हुआ यह कि जब खेती करने लगे तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, यानी ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो इससे क्या हुआ, जैसे सपोज दैट कि किसी को मतलब वहाँ के लोगों को 100 केजी चाहिए खाने के लिए, 100 किलो चाहिए, और वहाँ पे पैदा हो गए 120 किलो। तो अब क्या हुआ, जब 120 किलो पैदा हो गया और 100 ही किलो चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ लोग काम नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो जब इस तरीके की स्थिति हुई तो लोगों ने कहा कि जो कुछ जो पढ़े लिखे जो मतलब ज़्यादा समझदार लोग थे, तो उनसे कहा गया कि आप काम मत करिए और कुछ हमारे मतलब कुछ सोचिए कि हम लोग की किस तरीके से उत्पत्ति हुई, किस तरीके से हम लोग का रहन सहन है, हम लोग क्यों दुनिया में आए। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ लोगों के हाथ सौंप दी गई। तो यानी कुछ जो समझदार लोग थे उनको ये काम सौंपा गया कि आप जो है काम मत करिए, क्योंकि प्रोडक्शन हम बढ़ा लिए हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया है, इस वजह से हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है सभी लोग काम करें। यानी अब अगर मान लिया यहाँ पे 20 लोग काम करते थे, तो कहा कि हो सकता है कि कहा जाए कि 18 लोग काम करिए और 2 लोग जो है आप ना करिए, और आपको तभी खाना मिलता रहेगा क्योंकि अब हम लोग कृषि करना सीख गए। तो जब कृषि जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ यानी कृषि का जब विकास हुआ, तो वहाँ पर क्या है कि लोगों के पास खाना हो गया, और दूसरी बात यह हुई कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक जगह पे रहने लगे, घर बना लिए, परमानेंट घर बना लिए और वहाँ पे रहने लगे। एक सामाजिक जो है सोसाइटी बन गई, यानी एक तरीके से उनके बीच में इंटरलिंकिंग बन गई, लोग एक दूसरे को जानने लगे। तो इस तरीके की जब स्थितियाँ पैदा हुई तो हम कहते हैं कि पहली बार लोग फिलॉसफी के बारे में सोचना शुरू किए। तो यहाँ पे जाके जो इस पॉइंट पे है, यहाँ पे आपका फिलॉसफी के बारे में लोग सोचना शुरू किए, ठीक है। तो हम 450 करोड़ की यात्रा में केवल फिलॉसफी जो सोचना शुरू किए वो 10,000 साल की ही बात है। यानी हम जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो केवल 10,000 साल की कहानी है, इससे पहले की कहानी नहीं है।
ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि दर्शन का शुरुआत होता है और दर्शन से लोग यहां से लोग दर्शन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि दर्शन जो है वो किस तरीके से भारत में डेवलप हुई है और वेस्ट में डेवलप हुई है, यानी यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से दर्शन का विकास हुआ है और तो देखिए भारत में दर्शन शब्द चलता है तो इधर हम दर्शन लिखेंगे और इधर ही हम फिलॉसफी लिखेंगे, ठीक है, फिलॉसफी, ठीक। तो भारत पहले बात करते हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं और ये वेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फिलॉसफी जो फिलॉसफी शब्द जो पहला फिलॉसफर यूरोप में हुआ, यूरोप में नहीं यूनान में कहते हैं, यूनान में जो हुआ उसका नाम था थेल्स, ठीक है। थेल्स की थ्योरम भी पढ़ते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो जो पहला दार्शनिक हुआ वो थेल्स हुआ, कब हुआ, 6th century BC में हुआ था, ठीक है। 6th century BC में जो हुआ वो वेस्ट में पहला फिलॉसफर हुआ, उसका नाम था थेल्स। भारत की बात करें तो भारत जो है फिलॉसफी के मामले में लगभग 1000 साल पहले चल रहा है, यानी इनसे 1000 साल आगे है, ठीक है। तो कैसे, देखिए 6th century BC का मतलब है लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात करते हैं। तो 600 ईसा पूर्व में जो दर्शन उस समय चल रहा था वो जैन और बौद्ध का चल रहा था, ठीक है। तो भारत में उस समय जैन और बौद्ध की दर्शन था, ठीक, बौद्ध और जैन और बौद्ध जो दर्शन दे रहे थे वो क्या कर रहे थे, उससे पहले हमारे पास जो वैदिक एज में जो आ चुका था, यानी ऋग्वेद, जो 4 वेद आ चुके थे, तो उसमें जो वैदिक एज में जो ऋग्वेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऋग्वेद का संशोधन कर रहे थे, यानी ऋग्वेद में जो भी कमियां थी उसको सुधारने की कोशिश जैन और बौद्ध कर रहे थे। और ऋग्वेद आप जानते हो कि 1500 BC में जो है वो था, क्योंकि उसमें ऋग्वैदिक काल उसी समय शुरू होता है। तो ऋग्वेद आ चुका था, ऋग्वेद जो था वो एक तरीके का जो भारत का दर्शन है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है, शुरुआती दर्शन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6th century BC की बात कर रहे हैं, तो 6th century BC में जैन और बौद्ध आ चुके थे। इसका मतलब है कि भारत में जो दर्शन का विकास हुआ वो लगभग 1000 साल, क्योंकि ये 1500 BC की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऋग्वेद जो है वो 1500 BC के आसपास था, ऋग्वैदिक काल शुरू हुआ तो उस समय वेदों की रचना हुई थी। तो जैन और बौद्ध आ चुके थे। तो इस तरीके से कि भारत में देखें तो भारत में 1000 साल पहले जो है दर्शन का विकास हुआ, और भारत में जो दर्शन इस समय है वो 9 दर्शन है, ठीक है, 9 दर्शन है। कभी दर्शन पे बात करेंगे, जो डिवीज़न है, तो 9 दर्शन में 7 दर्शन जो मानते हैं वो मानते हैं कि जो है भगवान यानी ईश्वर होता है, यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, लेकिन 2 दर्शन ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं भगवान को, यानी कहते हैं भगवान नहीं होता है, ठीक है। 1 दर्शन है चार्वाक और दूसरा है बौद्ध, ठीक है। तो 2 ऐसे दर्शन है, यानी बौद्ध दर्शन और चार्वाक का दर्शन है, जो ये नहीं मानते कि जो है भगवान होता है, और 7 दर्शन ऐसे हैं जो भारत में जो माना जाता है कि भगवान है, ठीक है। तो इस पर कभी बात करेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं कि जो है जैन और बौद्ध जो थे वो 6th BC में थे, और उस समय 6th BC में जो था वो थेल्स थे दर्शन के मामले में। अब बात करते हैं कि देखिए फिलॉसफी की तो ये हो गई कि भारत और वेस्ट की बात कर लिया, अब बात करते हैं कि फिलॉसफी में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, यानी कौन कौन से उसमें ब्रांचेज हैं जो फिलॉसफी में पढ़ी जाती हैं। तो फिलॉसफी की ब्रांच पढ़ते हैं, तो एक कहलाता है फिलॉसफी, ठीक है। तो देखिए इसका जो एक हिस्सा है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को बोलते हैं तत्वमीमांसा, तत्वमीमांसा, ठीक है। दूसरा कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी को कहा जाता है ज्ञानमीमांसा। और तीसरा जो कहलाता है वो कहलाता है एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी को बोलते हैं मूल्य मीमांसा,
मूल्य मीमांसा, ठीक है। जो एक्सियोलॉजी है इसमें इसके दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक को बोलते हैं इथिक्स और एक को बोलते हैं एस्थेटिक्स। इथिक्स को बोलते हैं नैतिक शास्त्र ये, और एस्थेटिक्स को कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। इथिक्स जो है ये यूपीएससी के सिलेबस में है, ये मेंस में जीएस पेपर 4 में आता है इथिक्स, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ा हूँ, विकास देवी कीर्ति सर ने मुझे पढ़ाया है कि ऑनलाइन बैच लिया है तो पढ़ा, तो इस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। फिलहाल एस्थेटिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इथिक्स है जो यूपीएससी के मेंस में आता है, जीएस पेपर 4 है। देखिए मिटिक जो मेटाफिजिक्स है इसमें इसके तीन ब्रांचेस हैं, मतलब इसको तीन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी को बोलते हैं सृष्टि मीमांसा, मीमांसा। दूसरा कहलाता है थियोलॉजी, थियोलॉजी, इसका मतलब होता है ईश्वर मीमांसा, ईश्वर मीमांसा। और चौथा तीसरा इसका है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, PSYC साइकोलॉजी, इसको बोलते हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक। देखिए जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिक्स, यानी जो भौतिक जगत के परे हो, जो प्रश्न भौतिक जगत से परे की बात करे उनको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, यानी जहाँ पे साइंस सोचना बंद कर दे उसके आगे की सोचना कहलाता है तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। जैसे अगर हम मैथ्स मतलब साइंस में पढ़ते हैं कि अर्थ किस तरीके से बनी, अभी बात किया कि 450 करोड़ वर्ष पहले बनी, तो उसका एक थियरी है, लेकिन जो मेटाफिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि 450 करोड़ वर्ष पहले क्या था, यानी उस समय क्या था, ये यूनिवर्स कैसे बना और बनाया किसने, किस तरीके से बना, और ये जो मैटर हमारे यूनिवर्स में, ये मैटर आया कहाँ से, किस तरीके से लाया गया, क्या ये जब यूनिवर्स बन रहा था तो इस मैटर को, ये मैटर कहीं और भी अवेलेबल था, अगर था तो इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स से पहले भी कुछ था। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो किस में दिया जाता है, मेटाफिजिक्स में। मतलब उत्तर क्या, उत्तर मिलता तो नहीं है लेकिन उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इसमें तीन प्रश्न हैं, ये एक्चुअली तीन ब्रांचेस हैं और ये तीन समझिए कि तीन प्रश्न हैं। जैसे अगर हम सृष्टि मीमांसा की बात करें तो इसमें बात किया जाता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसकी ज़रूरत ही क्या थी बनाने की, तो दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी और किसने बनाई। तो तीन बात की जाती है कि दुनिया जो है वो क्यों बनी, यानी उसको क्यों बनाया गया, दूसरा कैसे बनी, तरीका क्या था बनाने का, कौन से तरीके से इसको बनाया गया, और तीसरा किसने बनाया, यानी इसको बनाने वाला कौन है। तो इन तीन प्रश्नों को ढूंढने का जो ब्रांच है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मिलकर इसको नहीं ढूंढ सकते, यानी इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सकते, साइंस तो यहां पर घुटने टेक देती है। फिलॉसफी में इन सब चीज़ों की बात की जाती है, किसने बनाया, अब साइंस में कभी इसका उत्तर नहीं पा सकते कि दुनिया किसने बनाया, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने बनाया, तो प्रश्न ये रहता है कि भगवान ने बनाया तो भगवान कहाँ थे, दुनिया के बाहर थे कि दुनिया के अंदर थे, क्योंकि आप जिस चीज़ को बना रहे होते उसके अंदर रह के वो चीज़ नहीं बना सकते कभी भी। आप अगर एक घड़ा बना रहे तो घड़े पे बैठ के घड़ा नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया जब बन रही थी तो उसको बनाने वाला यानी यूनिवर्स, दुनिया का मतलब या पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को जब बनाया गया तो कोई बाहर रहा होगा, वो कहाँ था, यानी वो यूनिवर्स से बाहर किस जगह पे था, और जब यूनिवर्स बन रहा था तो उस यूनिवर्स के लिए जो मैटर लाया गया वो कहाँ से लाया गया। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर जो है वो इसमें ढूंढने की कोशिश किया जाता है, हालांकि कभी मिलता नहीं है, बस ये सीधा उत्तर दिया जाता है कि भगवान ने बनाया, ठीक है। ईश्वर मीमांसा का मतलब है कि जो ईश्वर से संबंधित प्रश्न है, यानी भगवान है कि नहीं है, है या नहीं है, दो ही प्रश्न है,
या तो होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं है तो मैटर क्लोज, लेकिन अगर हैं तो कितने हैं, दो हैं या दो से अधिक हैं, एक है या एक से अधिक है यानी ग्रेटर देन वन है, ज़्यादा है। फिर अगर सपोज दैट कि चलो एक से मान लेते हैं कि एक ही है, तो वो मेल है कि फीमेल है। अगर एक से अधिक है तो उनके बीच इंटरलिंकिंग क्या है, यानी एक भगवान दूसरे भगवान से किस तरीके से इंटररिलेट करता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है ईश्वर मीमांसा में, ठीक है, यानी थियोलॉजी में किया जाता है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी की बात की जाती है, तो इसमें कॉन्शियसनेस की बात की जाती है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती है वो कैसी होती है, जैसे कि हम सपने क्यों देखते हैं, सपने आते ही क्यों हैं, ठीक है, और आते हैं तो उसका वास्तविक जीवन से क्या रिलेशन होता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी देखते हैं जो हो सकता है कि हमें याद भी ना हो। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देखते हैं लेकिन सपने में देख लेते हैं। तो इन सब प्रश्नों के बारे में, जो सपने के बारे में या और भी चीज़ों के बारे में जो प्रश्न ढूंढा जाता है, उसको वो विज्ञान आपका कहलाता है साइकोलॉजी, यानी कॉन्शियसनेस के बारे में बात किया जाता है। कॉन्शियसनेस के बारे में जब बात किया जाए तो उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। तो ये आपका कहलाता है मेटाफिजिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इपिस्टेमोलॉजी की। देखिए इपिस्टेमोलॉजी क्या है, यह है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब यह है कि जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, वो क्या सही है या गलत है, इसको चेक करने का जो जो ब्रांच करती है वो कहती है ज्ञान मीमांसा है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान प्राप्त करने की विधि या प्रोसेस, ज्ञान प्राप्त करने की विधि, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि को जो होती है वो किसमें डिस्कस की जाती है, वो आपकी एपिस्टेमोलॉजी में की जाती है, यानी ज्ञान मीमांसा में की जाती है। जैसे कि आप अगर साइंस की चीज़ें पढ़ते हैं या साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट करके उसका ऑब्जर्वेशन करिए, उसके बाद जो है उसका रिजल्ट निकालिए और उसको जो आप एक हाइपोथेसिस करते हैं उसको वेरीफाई करिए, तो मान लेते हैं कि ये प्रोसेस है। लेकिन जो फिलॉसफी में है वो प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता है जो कि एक विज्ञान में फॉलो किया जाता है। उसका एक विज्ञान को की चीज़ों को प्रूफ करने का एक फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क के बाहर हम नहीं सोचते हैं। लेकिन जैसे कि विज्ञान में सोचते हैं ये घटना कब घटी, कैसे घटी, क्यों घटी और फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इन सब चीज़ों के प्रश्नों का उत्तर अगर ढूंढ लेते हैं तो कहते हैं कि जो है विज्ञान में प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन जो एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा है, उसमें जो फिलॉसफी का ये ब्रांच है ये इस तरीके से काम नहीं चलता है। यानी इसमें क्या होता है कि हर चीज़ को एक बहुत बारीक तरीके से देखा जाता है और उसके बारे में जो प्रश्न जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। जैसे अगर हम कहें कि ये बोर्ड सफ़ेद है, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सफ़ेद हो। जैसे यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होके बाद हमारी आइज़ पे पड़ती है, हमारी आइज़ के बाद हमारी आइज़ जो है उसको रीड करती है, फिर उसको ब्रेन को सिग्नल देती है और उसके बाद जो है फिर हमें पता चलता है कि ये बोर्ड जो है वो वाइट है। लेकिन दो तीन स्टेप हुए। पहली बात कि जब लाइट किसी भी बोर्ड पर लाइट पड़ी, सपोज़ इस बोर्ड पर लाइट पड़ी तो लाइट यहाँ पर पड़ी, ठीक, फिर उसके बाद ये आइस पे गई, अगर हम आंख की बात करें तो ये आँख के ऊपर गई, आँख ने क्या करा, इस पे इसको रीड किया, यानी यहाँ पे रेटिना होता है, रेटिना ने इसको रेट किया, उसके बाद इस रेटिना ने सिग्नल भेजा ब्रेन को और ब्रेन ने इसको जो है समझा कि हाँ जो है ये वाइट कलर का बोर्ड है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डिस्टॉर्शन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। पहली बात कि जो लाइट आया था वो बोर्ड ने वही रिफ्लेक्ट किया जो लाइट आई थी। दूसरी बात, जो रिफ्लेक्ट होके आई थी लाइट वो आँख ने सही से रीड किया कि नहीं रीड किया। अगर आँख सही से रीड करे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको भ्रम हो जाता है, मतलब कहते नहीं सांप रस्सी को सांप समझ लेना, तो इसका मतलब है कि जो लाइट आई उस रस्सी से उसको हम सांप समझ लिए, यानी सही से ब्रेन जो है आइज रीड नहीं कर पाई। फिर उसने जो है ब्रेन को सिग्नल भेजा। कभी कभी होता है कि कोई इंसान नशे में होता है तो देखता कुछ और है, समझता कुछ और है, तो इसका मतलब है कि उसकी आइज़ जो देखती है वो ब्रेन को सिग्नल किस तरीके से भेज रही है, ये भी डिपेंड करता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये चीज़ जो प्रोसेस है कि ये कहीं कहाँ पे डिस्टॉर्शन आ सकता है,
इसका जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन साइंस तो सीधा बता देगा कि भाई ये बोर्ड वाइट है, उसमें ये नहीं सोचता है कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा या यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा। तो फिलॉसफी में जो ज्ञान मीमांसा है वो क्या करती है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि को बताती है कि किस विधि से जो है ज्ञान प्राप्त किया जाए। अब हम बात करते हैं कि इथिक्स, तो इथिक्स जो है वो क्या होती है, हमारे नैतिकता के बारे में बात करती है। नैतिकता का मतलब यह है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है, पुण्य पाप, ये सब के बारे में जो बात करती है, तो ये नैतिकता की बात करती है, ठीक है, नैतिकता की बात करती है आपकी इथिक्स, ठीक। क्या मतलब, जैसे कि क्या सही है, क्या गलत है, यानी सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस तरीके से बात करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, तो इन सब के बारे में जो बात करें उसको बोलते हैं इथिक्स या नैतिक शास्त्र, ठीक है। ये हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस है उसका जो जीएस पेपर 4 है मेंस का, उसका ये जो है 250 नंबर का पेपर होता है इथिक्स का, तो उसमें जो है ये इसका पूरा जो है डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं एस्थेटिक की, यानी एस्थेटिक्स क्या होता है, सौंदर्य शास्त्र होता है। तो देखिए इसमें जो एक आपका जो बहुत कॉमन प्रश्न उठता है वो ये कहता है कि कभी कभी मतलब ये कॉमन है कि सुंदरता जो होती है वो इंसान के आँख में होती है कि वस्तु में होती है, ठीक है, ये चीज़ पूछा जाता है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर, ठीक है, ब्यूटी लाइज इन द आइज of the beholder, ठीक है, यानी सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। तो कुछ लोग का मानना है कि जो है सुंदरता जो होती है वो देखने वाले की आंख में होती है, यानी वो सोचता है कि ये वस्तु सुंदर है तो सुंदर है। लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि वस्तु में सुंदरता होती है, जैसे ताजमहल सबको सुंदर लगता है, तो ताजमहल जब सबको सुंदर लगता है तो इसका मतलब है कि ताजमहल में सुंदरता है, तभी वो सुंदर लगता है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो है सुंदरता जो होती है ना आँख, ना देखने वाले की आँख में होती है, ना वस्तु में होती है, सुंदरता जो होती है वो उस कल्चर में होती है जिस कल्चर में वो पला हुआ होता है, यानी जिस कल्चर में वो पैदा होता है, बड़ा होता है, उस कल्चर में जो सुंदरता जो चीज़ होती है वो उससे सुंदर लगती है। तो ये तीन इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, तीन ब्रांचेस की बात करता है इसमें, कौन, एस्थेटिक्स, ठीक है। तो अगर बात करें कि जो है सुंदरता व्यक्ति की आंखों में होती है, यानी व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि हाँ सुंदर है, इसलिए सुंदर अगर कोई चीज दिख रही है तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म। क्या बोलते हैं, एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म। सब्जेक्टिविज्म मतलब होता है व्यक्तिगत। सब्जेक्टिव होने का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी सबकी राय अलग अलग है। जैसे किसी को कोई वस्तु सुंदर लग सकती है तो दूसरे को नहीं लग सकती है, तो उसी को कहते हैं कि जब कहे कोई इंसान कहे कि व्यक्ति सुंदरता जो होती है व्यक्ति की आंख में होती है, देखने वाले की आंख में होती है, तो उसे बोलते हैं एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, ठीक है। अगर कहा जाए कि सुंदरता वस्तु में होती है तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक ऑब्जेक्टिविज्म, उसको क्या कहेंगे, एस्थेटिक ऑब्जेक्टिविज्म, यानी ऑब्जेक्टिव है, हर इंसान को वो सुंदर लगेगा। जैसे कि ताजमहल, अब ताजमहल सुंदर है तो सबको सुंदर लगता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एस्थेटिक्स ऑब्जेक्टिविज्म, और इसको क्या बोलेंगे, एस्थेटिक्स सब्जेक्टिविज्म। और तीसरा होता है एस्थेटिक कल्चरिज्म, एस्थेटिक कल्चरिज्म, ठीक है। एस्थेटिक कल्चरिज्म का मतलब यह होता है कि जैसा आप जिस कल्चर में आप पले बढ़े होते हैं, उस कल्चर में आप रहते हैं तो वहाँ की चीज़ें आपको सुंदर लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूरोप के का कोई इंसान है और वहाँ की महिला अगर स्कर्ट पहनती है, ठीक है, तो उसे वो महिला सुंदर लगेगी। अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई मेल है और वहाँ की अगर फीमेल जो है वो स्कर्ट पहनती है तो उसे सुंदर लगेगी। अब अगर इंडिया में पहन ले 40-50 साल की महिला स्कर्ट पहन ले तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जो है मुस्लिम कंट्री है, यानी कोई मुस्लिम कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, तो वहाँ पे अगर वो बुर्का पहनी है, ठीक है,
अगर वो बुर्का पहन के रखी है तो वहां की वो महिला उसको सुंदर लगेगी, वहां पे अगर कोई स्कर्ट पहनेगी तो उसे सुंदर नहीं लगेगी, ठीक है, वो वहां के लोग नहीं मानेंगे उसे सुंदर। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की, तो कोई अगर जो है महिला साड़ी पहनती है या कोई लड़की साड़ी पहनती है तो कहेंगे कि वो सुंदर है, ठीक है। तो देखिए कल्चर का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि सुंदरता अलग अलग बदल जाती है, इसको बोलते हैं जो है वो कल्चरिज्म, यानी एस्थेटिक कल्चरिज्म कहते हैं। तो इस तरीके की जो है ये टॉपिक था, और ये फिलॉसफी का एक तरीके का डिवीज़न है, जो तीन डिवीज़न था, एक मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा जो है ऑक्सियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है हमने फिजिक्स के बारे उसमें फिलॉसफी के बारे में बात किया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ये जो हमने वीडियो बनाया है ये विकास देवी कीर्ति सर का जो वीडियो है, उनका बहुत लंबा लेक्चर है, तो उन्हीं में से उन्हीं के जो है हमने समरी आपको समझाई है, तो आप देखिए। और आप इसको बहुत डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हैं तो विकास देवी कीर्ति सर, जो हमारे देश के महानतम शिक्षक में से एक हैं, उन्हीं को देखिए, ठीक है, और इसको भी आप देखिए। तो मैंने कोशिश की है बनाने की, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।